स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल मन की बात में। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी रोमांचक वीडियो है, जो फ्री फायर गेम से रिलेटेड है। जो गेमर है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो इन दिनों में काफ़ी चर्चे में रहा एक टूर्नामेंट जिसको टूर्नामेंट ऑफ पावर कहते हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर टीम्स या फिर गिल्ड चैम्पियनशिप भी बोला जाता है। तो आज ऑर्गेनाइज किया था हिट स्क्वायर ने, कई दिनों से वो लोग जुड़े हुए थे। तो आज पहला दिन। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तीसरे मैच का जो कोकराझार और ProAssessins के बीच में खेला गया था। ये वीडियो तो वैसे 17 मिनट का था लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके 7 मिनट का बना दिया ताकि कोई बोर ना हो। यह आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में कि अभी 17 बंदे जिंदा है, उनमें से ये जो खेल रहा है टिकलू 22, ये पूरी टीम का है, ये मतलब दूसरे टीम का है। हमारा जो चैम्पियनशिप टीम था उसमें से कोकराझार और ProAssessins का टीम का चार चार बंदे है खेल रहा है। तो ये जो 16 जिंदा है इसमें ही वो लोग अभी तक टिके हैं। ये अनिश रॉय जो किल कर रहा है अभी, मनोजीत ने किल किया, ये कोकराझार के बंदे है। अभी 13 बंदे ही बच गए है। और ये एन पी कोलिता गिर गया, टिकलू 22, ये सब रेंडमली आया हुआ है। तो अभी देखना है कि इस गेम में आखिर तक कौन टिक पाते हैं, कौन जीतते हैं इस टूर्नामेंट को, मतलब इस तीसरे मैच को। वैसे तो इस मैच का रिजल्ट आप लोग देख लिए होंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में बनाया गया था क्योंकि हिट स्क्वाड जो ऑर्गेनाइजर था उन लोगों ने बोला था कि ये मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करने से स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा कौन कहाँ पे है, ये पता चल सकता है, इसीलिए उन लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की थी। तो ये जो BK786 ये ProAssessins का है, ये अपोजिशन टीम है कोकराझार का, मतलब इन दोनों टीम के बीच तीसरा मैच खेला गया था। ये द फायर फिस्ट एक है और BK786 था एक, और एक बंदा था, और एक बंदा तो पहले इन लोगों का मर गया और बाकी कोकराझार टीम का भी जिंदा है कुछ बंदे। तो अभी 10 बंदे जिंदा है। तो देखना है लास्ट तक कौन जीत जाता है ये मतलब तीसरा मैच। अभी ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है दोनों टीम के बीच, मतलब 10 ही बंदे बचे हैं तो सब एक साथ होंगे। तो आप लोग देखते रहिए क्या होते हैं लास्ट में। ये द फायर फिस्ट, इसके हाथों में स्केयर है, ये मेरा भी पसंदीदा गन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और शॉट गन तो लास्ट में ज़रूरी है, होना ही चाहिए सबके पास, और कुछ ग्रेनेड भी होना चाहिए क्योंकि दूर के बंदे को गिरा के ग्रेनेड मारने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी सब लुका छुपी खेल रहे हैं, देखते रहिए आप लोग, मेरे साथ जुड़े रहिए। वैसे तो हिट स्क्वाड वालों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा ये स्टेप उन लोगों ने लिया। वैसे तो इसका प्राइज मनी बहुत छोटा है लेकिन मैच होगा काफ़ी रोमांचक, देखने लायक होगा। तो ये जो चैम्पियनशिप था ये नॉकआउट के सिस्टम में बनाया गया था, मतलब जो टीम हार जाएगा वो आउट हो जाएगा, दूसरे चांस नहीं मिलेगा। तो ये द फायर फिस्ट लुका छिपी खेल रहा है और सामने ये इनेमी है इसका, अब देखना है क्या करते हैं। नहीं शायद ये अपने ही बंदे होंगे, तो अभी मैच बेहद करीब आ चुका है, मतलब अंतिम मोड़ पे है, ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक। और दोस्तों मेरा ऐसा फ्री फायर, सिर्फ फ्री फायर का नहीं और भी मैं दूसरे चीज़ों से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूंगा, वो सब देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बीकी गिर गया, BK786, ये वांटेड गोली चला रहा है, पैर के पीछे कोई है, पता नहीं कौन है। बीकी गिरा हुआ है, आदित्य ने किसी को मार दिया, शुभ को, और ओ सॉरी ये ग्रेनेड फेंक दिया किसी ने, राय ज्योति ने मार दिया बीकी को। अब वांटेड ये हेडशॉट दे दिया वांटेड ने राय ज्योति को।
आदित्य अनिश स्कैर से दोनों तीन तीन बंदे को मार डाला इसने बांडेड ने, कुल मिला के चार बंदे को मारा, अभी तक पाँच जिंदा है। तो इसके हाथ में ग्रोजा है, ये भी बहुत अच्छा गन है, मतलब जितने गन हैं इनमें से सबसे बेस्ट मुझे तो ग्रोजा ही लगता है, बाकी सबका अलग अलग नज़रिया है, कोई AK-47 से भी खेलता है, कोई M4A1 से खेलता है। मुझे तो अगर ग्रोजा मिला तो इससे अच्छी मेरे पास कोई गन नहीं है, मतलब यही मेरे लिए बेस्ट है, और अगर ग्रोजा नहीं मिला तो मैं स्कैर से खेलता हूँ। ये वांटेड को मार रहा है कोई, ये लगा लगा दोनों का भी जबरदस्त का टक्कर, जबरदस्ती, और ये वांटेड गिर गया प्रो एसोसिएशन का। देखिए आप लोग क्या हो रहा है, और ये मार दिया था फायर फिश ने, और ये बुआ मिल गया उन लोगों का।